क्लास बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर, सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है इथर एंड अपोक्साइड, जिसका पार्ट नंबर 6 यानी कि लास्ट पार्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा अपोक्साइड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम अपोक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया कर रहे थे और अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया कर ली थी हमने। अम्ल की उपस्थिति में या अम्ल को उत्प्रेरक के रूप में अगर काम में लिया जाए तो वल्ले कैसे खुलती है। अब हम क्या करेंगे, क्षार उत्प्रेरक द्वारा वल्ले का खुलना, क्षार उत्प्रेरक द्वारा वल्ले कैसे खुलेगी। जैसे देखिए, हमारे पास अपोक्साइड लेनियम CH2 और CH2 और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी हुई है और इसको क्या कहा जाएगा, अपोक्साइड। ठीक है, इसके साथ हम C2H5OH की अभिक्रिया करवाएं और अभिक्रिया करवाने पर CH2 इसके साथ तो OH जुड़ जाएगा और CH2 इसके साथ OC2H5 जुड़ जाएगा, तो एक ट्रांस प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा और क्षार की उपस्थिति में वल्ले क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। जैसे एल्कोल जो होता है उसको एल्कोक्साइड की फॉर्म में लें तो RO- और H+ की फॉर्म में होगा। ये अब RO- या एल्कोक्साइड जो होता है वो नाभिक से नई की भांति व्यवहार करता है। अगर हमारे पास CH2, ये CH2 और ये O इस तरीके से है, ठीक है, और इसके साथ RO- क्या कर रहा है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर रहा है। इसकी भांति व्यवहार कर रहा है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर रहा है, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ में, अपोक्साइड के साथ में। अपोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर ये CH2 ये वो इसके साथ चला जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और CH2 ये O और R इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर भी प्रेजेंट हैं, तो यहाँ ये RO इसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर उसके पश्चात ये जो H+ है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और एक ट्रांस प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो एल्कोक्साइड है वो यहाँ क्या करता है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। तो इस तरीके से हम अपोक्साइड की वल्ले को क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में खोल सकते हैं या क्षार के साथ रिएक्शन करवा करके इस वल्ले को खोला जा सकता है। जैसे मान लो हम अगर वल्ले के खुलने का क्षार या अम्ल की उपस्थिति में अभिविन्यास देखें तो वो इस प्रकार होता है। जैसे हम ये कह दें अम्ल व क्षार की उपस्थिति में, अम्ल व क्षार की उपस्थिति में अभिविन्यास वल्ले के खुलने का अभिविन्यास भी, अम्ल की उपस्थिति में वल्ले कैसे खुलती है और क्षार की उपस्थिति में वल्ले कैसे खुलती है। अगर हम अम्ल की उपस्थिति में वल्ले को खोलने का काम करते हैं तो ये रिएक्शन किसकी भांति होती है, SN1 की भांति होती है। SN1 में क्या होता है, नाभिक स्नेही वहाँ जुड़ता है या उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर एल्किल समूह ज़्यादा हो या जिसके ऊपर प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा हो। और क्षार की उपस्थिति में अगर रिंग को खोलते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो SN2 की भांति होती है, क्योंकि SN2 के अंदर क्या होता है, नाभिक स्नेही
उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके साथ प्रतिस्थापियों की संख्या कम होती है। तो हम अम्लीय क्षार की परिस्थिति में वलय के खुलने का विन्यास देखें तो यही होता है कि अगर रिएक्शन अम्ल की परिस्थिति में करवाई जाए या फिर अम्ल की परिस्थिति में रिएक्शन को जब करवाते हैं तो वलय खुलती है, तो वो रिएक्शन किसकी भांति होती है, SN1 की भांति होती है। और क्षार की क्षार उत्प्रेरक की परिस्थिति में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन किसकी भांति होती है, SN2 की भांति होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, SN1 और SN2 की तरह वलय को अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में खोल सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ले लें, तो 1,2 एपोक्सी साइक्लोपेंटेन, 1,2 एपोक्सी साइक्लोपेंटेन ले लिया हमने, और साइक्लोपेंटेन का जल अपघटन करवाएंगे तो सबसे पहले इसे एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाती हैं। तो रिएक्शन करवाने पर ये ओ और इसके साथ एच जुड़ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसके पश्चात H2O की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो जो H2O है वो कहाँ पर आकर जुड़ेगा, इस कार्बन पर आकर जुड़ेगा। तो ये OH इस तरीके से जुड़ा रहेगा और इसके साथ O और H और ये H और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक H पॉजिटिव को बाहर निकाल देंगे और बाहर निकालेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ पे H और यहाँ HOH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस प्रोडक्ट। तो ये ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइओल प्राप्त हो जाएगा। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई है, अम्ल की प्रेजेंस में करवाई है। फिर यहाँ वाला बोन टूट जाएगा एक, ठीक है, ये इसके साथ सेट जाएगा, इसके साथ चला जाएगा और दोनों के पास एच चाहिए तो हम क्या बना लेंगे, ट्रांस प्रोडक्ट बना लेंगे या ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइओल बन जाएगा। तो ये थी क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में वलय का खुलना। वैसे रासायनिक अभिक्रिया ये दो ही होती है मुख्य रूप से अपोक्साइड की। एक तीसरी रिएक्शन ये होती है अपोक्साइडों पर कार्बधात्विक यौगिक की यौगिकों की अभिक्रिया, अपोक्साइडों पर कार्बधात्विक यौगिकों की अभिक्रिया। कार्बधात्विक यौगिक कौन से होते हैं, जैसे गिरनार का अभिकर्मक हो गया, वो एक कार्बधात्विक यौगिक है जिसको CH3MgBr से हम छो करते हैं, ठीक है। तो इसमें एलिकिल ग्रुप भी है, धातु भी है, एलोजन भी है और जब हाइड्रोकार्बन और धातु आपस में जुड़ी होती है तो उसको क्या बोला जाता है, कार्बधात्विक यौगिक बोला जाता है। तो अपने क्या करवाएंगे, अपोक्साइड के साथ में कार्बधात्विक यौगिकों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने पर एल्कोहल का निर्माण होता है।
और जो अपने गिरन्यारक अभिकर्मक का जो एल्किल ग्रुप होता है वो क्या करता है, नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करता है, और नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करके और वो क्या करता है, एल्कोल का निर्माण कर सकता है, क्या कर सकता है, एल्कोल का निर्माण कर सकता है। तो हम यहाँ पर CH2 और CH2 या ये क्या ले लेंगे, अपोक्साइड ले लें, और इसके साथ हम RMGBR की विक्रिया करवाएं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पे ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नाभिक से नहीं ये भांति व्यवहार करता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो R तो इस कार्बन के साथ जुड़ गया, इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, इसके साथ O और O के साथ में MGBR जुड़ जाएंगे, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में। जब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पर RCH2 और CH2OH क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोल और प्लस में MGBR और OH ये बाहर निकल जाएगा, MGBR बाहर निकल जाएगा। अगर इस रिएक्शन को अपोक्साइड के साथ में हम यहाँ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की विक्रिया करवाएं तो भी करवा सकते हैं, इसको बुलाता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये सी ये नेगेटिव की तरह व्यवहार करता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इस कार्बन पर आकर जुड़ेगा तो C6H5 CH2 CH2 और O के साथ में कौन जुड़ जाएगा, MGBR, एक मध्यवर्ती प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। फिर उसके पश्चात इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे और C6H5 CH2 CH2OH बन जाएगा और Mg के साथ MGBR और OH बाहर निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए हमने पहले क्या करवाई, अपोक्साइड की RMGBR के साथ रिएक्शन करवाई, फिर उसके बाद में अपोक्साइड की फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ विक्रिया करवाई, तो ये भी एक कार्बधातु की यौगिक है, गिरन्यारक अभिकर्मक की फॉर्म है, बस एल्किल ग्रुप क्या है इसके साथ फेनिल जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अपने क्या करवा सकते हैं, अपोक्साइडों की कार्बधातु की यौगिक के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं और प्राइमरी एल्कोल बना लिया। अगर हमें सेकेंडरी एल्कोल बनाना है तो हम इस तरीके का अपोक्साइड लेंगे, ये अपोक्साइड ले लें और इसके साथ में रिएक्शन करवाएं हम C6H5MGBR की करवाओ या RMGBR की, RMGBR की करवा देते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में रहता है, रिएक्शन करवाएंगे हम तो ये R इस कार्बन पर आकर के जुड़ेगा, इस कार्बन पर आकर जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ CH3 CH और CH2 आ जाएगा और इसके साथ OMGBR जुड़ा रहेगा, CH2 और R जुड़ जाएगा इसके साथ में, ठीक है। जिसके साथ ऑक्सीजन रहेगा उसके साइड वाले कार्बन पर हमेशा ही R नेगेटिव जुड़ता है ना, जो गिरन्यारक अभिकर्मक का है। जल अपघटन कराएंगे, नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो CH3CH इसके साथ वो जुड़ जाएगा और ये CH2R और MG के साथ BR और OH बाहर निकल जाएगा।
तो इस तरीके से हमने जो रिएक्शन करवाई है इसके अंदर, यहाँ पर अपोक्साइड लिया, गिरनारक अभिकर्मक की रिएक्शन करवाई, प्राइमरी एल्कोल बना लिया हमने, फिर उसके बाद में अपोक्साइड लिया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई, एक मध्यवर्ती कंपाउंड बन गया और उसके पश्चात में 1 डिग्री एल्कोल का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद में हमने एक अलग प्रकार का अपोक्साइड लिया, गिरनारक अभिकर्मक की रिएक्शन करवाई, मध्यवर्ती बन गया और सेकेंडरी एल्कोल का निर्माण हो गया। जब CH के साथ OH जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी एल्कोल। ये तो थी गिरनारक अभिकर्मक की अभिक्रिया, फर्स्ट पॉइंट था अपोक्साइडों कार्बन धात्विक यौगिकों की अभिक्रिया, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट था अपोक्साइडों की गिरनारक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। मैंने लिखा नहीं है, आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। पहला पॉइंट तो ये किया था हमने कि अपोक्साइडों के साथ गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम कर रहे हैं अपोक्साइडों के साथ कार्बलिथियम यौगिक की अभिक्रिया, ठीक है। अपोक्साइडों के साथ हम कार्बलिथियम यौगिक की अभिक्रिया करवाएंगे, CH2CH2O, ये क्या है, अपोक्साइड है, क्या ये अपोक्साइड, ठीक है। इसके साथ RLI की अभिक्रिया करवाएंगे, ये पॉजिटिव में रहता है, ये नेगेटिव में, ठीक है। तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो RCH2 और CH2OLI, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फिर अपने क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो RCH2 और OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर LiOH बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोल। तो अपने अपोक्साइडों के साथ कार्बलिथियम यौगिकों की अभिक्रिया करवा करके क्या कर सकते हैं, हम प्राइमरी एल्कोल बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम प्राइमरी एल्कोल बना सकते हैं। और अगर फेनिलिथियम की अभिक्रिया करवाना चाहें तब भी करवा सकते हैं हम, यहाँ पर C6H5Li ले लें तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नाभिक से नहीं की भांति व्यवहार करता है और ये इसके साथ जाएगा तो C6H5 और यहाँ CH2 और CH2OLi आ जाएगा। फिर हम क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे और जल अपघटन जब करवाते हैं तो यहाँ पर C6H5 CH2 और CH2OH आ जाएगा और LiOH बाहर निकल जाएगा, तो 1 डिग्री एल्कोल का निर्माण हो गया। तो अगर अपोक्साइडों के साथ गिरनारक अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाते हैं तब भी प्राइमरी एल्कोल बनता है, और अगर अपोक्साइडों के साथ कार्बलिथियम यौगिकों की अभिक्रिया करवाते हैं तो प्राइमरी एल्कोल बना लिया। सेकेंडरी बनाना चाहें तो सेकेंडरी भी हम बना सकते हैं। सेकेंडरी बनाने के लिए ये अपोक्साइड लेंगे हम, इसके साथ RLi की अभिक्रिया कराएंगे, ये पॉजिटिव ही है, नेगेटिव में रहता है, तो ये CH3CHOLi बन जाएगा और यहाँ पर CH2R आ जाएगा। और फिर अगर जल अपघटन करवाते हैं हम तो CH3CH इसके साथ OH आ जाएगा और CH2R, ये क्या बन गया, सेकेंडरी एल्कोल और LiOH बाहर निकल जाएगा। तो हम दोनों प्रकार के कार्बन धात्विक यौगिकों से प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोल बना सकते हैं। अपोक्साइडों की पहले हमने गिरनारक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाई, उससे प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोल बनाया, फिर हमने कार्बलिथियम यौगिक के साथ में अभिक्रिया करवाई ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड में,
सबसे बढ़िया जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड होता है या सबसे बढ़िया जो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होता है, सबसे रिएक्टिव होता है, वो होता है कार्बोलिथियम यौगिक। और कार्बोलिथियम यौगिक बहुत जल्दी रिएक्शन से होकर सकता है। इसके साथ ही हमारा अपोक्साइड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इथर हमने पहले कर लिया था और अपोक्साइड भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब इथर और अपोक्साइड वाले टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। इसके साथ ही हम क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।